जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायिक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, बस यही मैं हूँ। जिस चैतन्य तत्व में ज्ञान और आनंद की परिपूर्णता है, वह चैतन्य सत्ता संयोगों से और संयोगी भावों से अप्रभावित रहती है। यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं।
परिणामों के परिवर्तन के कारण जिस चैतन्य सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता, जो चैतन्य सत्ता अपरिणामी ध्रुव कुटस्थ रहती है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। पाप के परिणाम तो अत्यंत दूर, पुण्य के परिणामों के लिए भी जिस घनपिंड में अवकाश नहीं है, यह घनपिंड चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। परिणामों से पार होने से, परिणामों में होने वाली वृद्धि, परिणामों में होने वाली हानि, अपरिणामी चैतन्य तत्व से सदाकाल दूर है। हानि वृद्धि मेरे निकट नहीं आ सकती, यह सत्ता ही मैं हूं। इस सत्ता का भाव भाषण होते ही परिणाम भिगने लगते हैं, परिणाम भिगते ही परिणामों का वेदन होता है। वे परिणाम भी जानने में आते हैं, मगर जो निर्णय किया है, निश्चय किया है कि परिणाम ही मैं नहीं हूं, फिर परिणाम दृष्टि अगोचर होने लगते हैं। मैं ध्रुव ऐसा भाव तत्व विचार से दृढ़ होता है। शास्त्रों को पढ़कर के, प्रवचनों को सुनकर के, ज्ञान में होने वाली वृद्धि को जानता तो है, मगर उस वृद्धि से मुझे क्या लाभ और क्या हानि, यह सत्ता ही मैं हूं। यह जो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी जो ये अखंड एक सत्ता है, इस सत्ता में ऐसी परिपूर्णता है, यह सत्ता ऐसी अखंडित एक रूप है। यही मैं हूं। एक परिणाम दूसरा परिणाम
तीसरा परिणाम, ऐसे परिणाम पलटते रहते हैं। मोती की माला में काला मोती, पीला मोती, सफेद मोती, ये क्रम से मोती आते रहते हैं। माला में मोती है, मगर धागे के ऊपर मोती है, यह दिखाई देता है। धागे को धागे के स्वभाव से देखने पर वह धागा कैसा अखंड है। धागे के परमाणु को ही नजर में लो कि धागा कैसा अखंड है। धागे के अंदर मोती के लिए जगह नहीं है, धागे के ऊपर हो सकती है, धागे के बाहर हो सकती है, धागे से दूर हो सकती है, मगर जो धागा है, जितना 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 धागे के परमाणु का विस्तार है, उसके साथ में मोती के परमाणु घुलमिल नहीं जाते। वह धागा जो अखंड है, और उसमें पहला मोती, दूसरा मोती, ऐसा पहला धागा, दूसरा धागा, ऐसा भेद ही नहीं है। ऐसा जो एक अखंड धागा, मगर उस धागे में वर्तुल बनता है, वह धागा गठान से बनकर के माला के रूप में बना है अखंड, मगर कहीं गठान है। उस धागे का आदि भी है और अंत भी है, मगर ज्ञान ये जो नित्य सत्ता स्वरूप है, जिसके न आदि है न जिसका अंत है, ऐसा विस्तार, ऐसा ज्ञान, ज्ञान 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 का विस्तार, और उसे कोई परिणाम छूता नहीं है। मोती है, वह मोती धागे को छूता हुआ दिखाई देता है। मोती में स्पर्श है, धागे में स्पर्श है। मोती पुद्गल है, धागा पुद्गल है। मगर स्वभाव से देखे तो दोनों अस्पर्शी है, क्योंकि मोती और धागे दोनों का उत्पाद व्यय स्वतंत्र है, दोनों का द्रव्य स्वतंत्र है। ये परिणाम रूपी ये जो मोती है, वह अखंड, ऐसे जो न्यायक की ये जो ध्रुवता है, जो धागा न कटे न जले न मिटे न परिणमित हो, जो न मोती को बुलाए जो न मोती को भेजे, ऐसा ये निरंतर नित्य अखंड तो वह दूर ही है। मोती की अनुभूति के काल में धागा ही दृष्टि में रहता है,
हथेली मोती को, उंगलियां मोती को, बाहर से ही छूती है, धागे को छूती नहीं है। यह जो वेदन होता है, ये वेदन पर्याय में होता है, मगर उस वेदन के साथ जिसका संबंध ही नहीं है, ऐसे यह ध्रुव था जो अप्रभावित है। स्व संवेदन, स्व संवेदन के प्रदेशों की मर्यादा में रहता है, और ध्रुवता जो ज्ञायक देव की, यह ध्रुवता ध्रुवता में ही रहती है। ऐसा यह ध्रुव ज्ञायक यही मैं हूं। मैं पने को नापने का यही तो मीटर है। मैं पना, ध्रुव मैं पना, परिणामों से उदासीनता और परिणामों से निरालापन। और निश्चित रूप से परिणाम सुधरते हैं। वही न्यायक की रुचि, उस रुचि को नापने का मीटर है। जिसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति समर्पण है, तो वहां विचार नहीं आता कि मैंने बेटे के लिए कितना धन खर्च कर दिया, बेटे के लिए कितना समय दे दिया, बेटे के लिए कितनी शक्ति खर्च की, बेटे के लिए मैंने जीवन में क्या-क्या कुर्बान किया। विकल्प तक नहीं आता। बेटे के लिए परिणाम कैसे पलट जाते हैं? अहो भाव को नापने का ये मीटर है। मैं ध्रुव ये बोल करके नहीं, यदि ये अंतर में छुआ है कि ऐसा ध्रुव ज्ञायक मैं, तो स्वच्छंदी हुए बिना वहां परिणामों में परिवर्तन होगा। यह ध्रुव 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 ध्रुव, क्योंकि वह परिणाम ध्रुव के अंदर गए हो, परिणाम ध्रुव को छुए हो, अंतर से अहोभाव से भर गए हो, वे इतने कठोर नहीं हो सकते। इंद्रिय विषय के भोगों में वह लिपाईमान हो जाए, तभी ये निश्चय के साथ में व्यवहार खड़ा रहता है। तभी दो पंखों से पक्षी आकाश में उड़ता है। यह ध्रुव 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 पिघलता जाता है, यह परिणाम पिघलता है।
पिघलते परिणामों में ध्रुव का जोर, और इस ध्रुव के जोर से ही परिणाम 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 बदलते रहते हैं। जोर ध्रुव का है और परिणाम उस प्रकार के हुए बिना नहीं रहते। ध्रुव का जोर और परिणामों का परिवर्तन, मगर उस परिणामों के परिवर्तन में ध्रुव में से कुछ भी आया नहीं, ध्रुव में से कुछ खाली हुआ नहीं। एक मोती को पकड़ करके जैसे माला घुमाती, और एक मोती फिर दूसरा मोती तीसरा मोती, मगर धागा वहां से थोड़ा हिला, उछल कूद की, धागा बाहर निकला, धागा कुछ बोलने गया, कुछ भी नहीं भगवान। वह धागा वहीं पर ही मौन है। ऐसे ये ज्ञायक 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 ज्ञायक, ये एक ज्ञायक, फिर कोई दूसरा ज्ञायक नहीं है, फिर कोई तीसरा ज्ञायक नहीं है। तो ये बार बार ज्ञायक 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 कितनी बार बोलूं, ये ज्ञायक 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 कितनी बार सोचूं। न्यायक तो एक है, न्यायक एक है, मगर वह सोचने वाला बोलने वाला न्यायक नहीं है। वह बोलने वाला न्यायक होता तो फिर एक से अधिक की जरूरत नहीं थी, मगर ये बोलने वाला परिणाम, पहला परिणाम इस भाव से भरा, मैं न्यायक, दूसरा परिणाम मैं ज्ञायक, और वह अभी ताजा है, जिसने कोई उद्घोष नहीं किया। मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, ऐसे प्रति समय नई नई ताजी ताजी पर्याय, ज्ञायक 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 ज्ञायक, उस रूप में ही परिणमित होती रहती है, पूरी तरह से उसका लक्ष्य करती है। मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, तो बिल्कुल अपरिणामी, और ये अखंड एक सत्ता, अखंड सत्ता 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 ही मैं। तो फिर वहां ऐसा भय नहीं रहता। ये सत्ता का जोर ऐसा होता है भगवान, ऐसा सत्ता का जोर होता है, त्रिकाल तो वह धागा उम्मीद भी नहीं रखता, कब कोई मोती आएगा, कब मेरे पास में कौन सा मोती आएगा, विकल्प नहीं आता। ऐसे ही ज्ञायक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो वो जो विकल्प है वह विकल्प तो चलता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मगर उन्हीं परिणामों में एक निश्चय भी है। चैतन्य तो लक्ष्य पूरा चैतन्य का किया, पकड़ चैतन्य सत्ता की है, और वही परिणाम फिर ये भी स्वीकार करता है, चैतन्य ये मैं। तो सत्ता का जोर होने से अब परिणाम इसमें नहीं है। तो वो निर्णय जो किया कि चैतन्य, वो तो परिणाम ने किया, मगर परिणाम ये क्यों नहीं कहता कि मैं परिणाम हूं।
असली बात तो यही है कि परिणाम ये कहे कि मैं परिणाम हूं, सच्चा तो यह है। परिणाम तो ध्रुव नहीं है, मगर परिणाम अपने को परिणाम माने तो मिथ्यात्व है, और परिणाम परिणाम नहीं है, और परिणाम ध्रुव है, ऐसा माने तो परिणाम सम्यक दर्शन बन जाते हैं। परिणाम क्षणिक है, क्षणिक परिणाम अपने को ध्रुव मानते हैं तो सम्यक दर्शन, झूठा माना तो भी सम्यक दर्शन है। परिणाम अनित्य और अपने को मानते हैं नित्य तो वह सम्यक दर्शन, और परिणाम अनित्य है और परिणाम ये माने कि मैं अनित्य मैं अनित्य मैं अनित्य तो मिथ्यात्व। सच्चा मानने पर भी मिथ्यात्व क्यों? परिणाम तो परिणाम है, परिणाम अपने को परिणाम माने तो मिथ्यात्व क्यों? परिणाम ने अपने को परिणाम रूप माना है, जिसका अस्तित्व ही जिसके बिना नहीं है, उसको भूल जाना वही परिणाम की बेईमानी है, और बेईमान होने का नाम मिथ्यात्व है। ध्रुव के आधार के बिना ये परिणाम है कहाँ? इसलिए प्रामाणिकता यही है कि यही मैं हूं। ध्रुव 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 वो परिणाम ध्रुव है, परिणाम ध्रुव है। परिणाम कहाँ है? मैं सत्ता स्वरूप, मैं सत्ता स्वरूप। एक समय के लिए जो परिणाम टिका है वह भी तो वस्तु का स्वरूप है, वह सत्ता है, वह सत्ता है, वह सत्ता है, वह सत्ता है। वो परिणाम ने अपने को ऐसा फैला करके देखा है, बालक युवान और वृद्ध ये तीन परिणाम है, ये तीन अवस्था है, मगर युवान अपने को युवान माने और युवान अपने को मनुष्य न माने, अपने को फैलाए नहीं, जो असली स्वरूप तो वह है कि मनुष्य हूं। युवान बाद में, मनुष्य पहले, क्योंकि युवान होने से पहले भी बालक था, वृद्ध होगा, मगर मनुष्यपना उसके अंदर गहराई में छुपा हुआ है। जैसे ही वह मैं युवान ऐसा मान लिया, तो युवान अवस्था का व्यय होगा और बुढ़ापा आएगा तो चेहरे की रेखा बदल जाएगी, शरीर से भी बदलेगी और खुशी के गम से भाव बदलेंगे तो उसमें भी बदल जाएगी। मैं मनुष्य हूं ये सामान्य सत्ता, तो परिणाम यह स्वीकार करता है कि मैं ध्रुव हूं जो व्याप्त है, वो उससे अलग नहीं है, यही मैं हूं, यही मैं हूं। उसमें ही पूरी तरह से तन्मयता है,
और असंख्य प्रदेशों में वहां पर व्याप्त, और ये परिणाम यही मैं ऐसा स्वीकार करते कि ध्रुव, परिणाम ये स्वीकार करते मैं ध्रुव। वह एक लहर जो उठी और वह लहर ये घोषणा करती है कि मैं सागर। तो वह जब लहर सागर में मिल जाती है, तो मिलने पर वह तड़पती हुई नहीं मरती, क्योंकि मैं सागर हूं। तो समाई लहर मर गई मगर तड़प करके नहीं मरी, क्योंकि सागर 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 ऐसा ही सागर में अपनापन होकर वह मरती है। तो कुछ भी उसका लूटा नहीं है, बूंद सागर बन गई, बूंद मर तो गई मगर विराट को पा करके मरी है। परिणाम मर जाता है, मगर अपरिणामी टिक कर रहता है। यह सत्ता जो टिक कर रहती है, यह न्याय न्याय की सत्ता, पर्याय भले मर जाती है मगर मरने से पहले पर्याय पर्याय के अहंकार से मिट जाती है। मैं ध्रुव हूं ऐसा परिणाम ऐसा स्वीकार करता है। वह झूठा स्वीकार नहीं है। युवान अपने को उस समय मनुष्य के रूप में मानता है, वही उसकी प्रामाणिकता है, सच्चाई है। क्योंकि मूल में अंदर गहराई में क्या है, युवान तो है, युवान ये स्वीकार करता है कि मैं मनुष्य हूं। वहां पर वह है मगर होने पर भी, पर्याय के पलटने पर भी वो परिणाम में परिणाम का रस ही नहीं रहता। तो जन्म मरण होता रहे, परिणामों का जन्म और परिणामों का मरण होता रहे, मगर परिणाम जब अंदर में ऐसे समाये है, जब लक्ष्य करते हैं कि मैं ध्रुव हूं, तब वो परिणाम में ऐसा परिणमन होता है, ध्रुव ऐसा पूरी तरह से परिणाम में, मैं ध्रुव। तो तरंग यदि सागर का मालिक बने कि मैं सागर, तो वह दोष नहीं है क्योंकि वह सागर का ही रूप है। युवान अपने को मनुष्य माने तो बेईमानी नहीं, वह उसकी समझदारी है। क्योंकि जो एक समय का व्यक्त स्वरूप है, उसने ही ये स्वीकार किया कि मैं ध्रुव हूं,
मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, निर्विकार, हाँ, निर्विकल्प में वो परिणाम ऐसा, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, वह प्रामाणिकता है, मैं ध्रुव हूँ, विकल्प ही नहीं आया। वस्तु में परिणाम 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 परिणाम, ये परिणाम पलटते रहते हैं, मगर वह जो सत्ता मात्र को दृष्टि में लेना, परिणाम का विकल्प ही नहीं आए, जबकि जन्म मरण का लक्ष्य जाते ही मैं मर गया, मैं मर गया, परिणाम का स्वभाव मरना है, परिणाम मर गया, मगर विकल्प ही नहीं आया, इसलिए एक सहजता रही। युवान मर गया और बुढ़ापा आ गया, कोई कहे कि बूढ़ा होने को तैयार हो या तुम्हें मार दूं, तो कहते हैं कि मार मत डालो, कोई बात नहीं, बुढ़ापा आए तो, क्योंकि सत्ता तो टिकेगी नहीं, अवस्था बदल जाएगी, तो परिणाम मर जाते हैं, वहां तो दुख होता है कि मर ही गया, मगर परिणाम बदल जाए और ध्रुव का ही जोर रहे तो मरने का दुख नहीं होगा, क्योंकि सत्ता है ना। युवान अवस्था मर गई है, मगर मनुष्य तो जिंदा रहा तो दुख नहीं होता, बुढ़ापा आया, मैं तो हूं ना। ये परिणाम के पलटने में भी ध्रुव की ध्रुवता इतनी अस्पर्शी हो करके, और उसमें से कुछ भी नहीं गया, कुछ खाली नहीं हुआ, परिणाम परिणाम के साथ में खेलते रहते, परिणाम ये स्वीकार करते हैं कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, और परिणाम आनंद भोग लेते हैं, वो परिणाम आनंद भोगते हैं, ध्रुव में अपनापन करके आनंद भोगते हैं। कैसे परिणाम ध्रुव में अपनापन करके आनंद भोगते हैं, अभी ये भाव आता है तो अहोभाव आता है, मगर असली अहोभाव तो इसका नाम है कि परिणाम मुझ में अपनापन करके मेरे में अपनापन करते हैं और परिणाम आनंद भोगते हैं। मैं तो आनंद भोगने वाला तत्व नहीं हूं, मैं आनंद सत्ता हूं, ये सत्ता तो फिर परिणाम में और निर्मलता प्रकट होगी ही होगी, मैं आनंद सत्ता, मैं आनंद सत्ता, तो आनंद सत्ता में रस, परिणाम परिणाम को भोगते हैं, दुख भी भोगे और सुख भी भोगे, भोगना जिसके अंदर लिखा ही नहीं है, ओ, दुखी होकर के कोई कहे मेरे भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है, ओ, बहुत जिंदगी में दुख ही दुख होगा, मेरे भाग्य में सुख भोगना लिखा ही नहीं है, ओ, यहाँ ये कि मेरे भाग्य में दुख भोगना लिखा है, सुख भोगना लिखा ही नहीं है, नगर भगवान मेरा भाग्य तो ऐसा है कि जिसमें भोगना ही लिखा नहीं है, दुख भोगना भी नहीं लिखा और सुख भोगना भी नहीं लिखा, ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ये मैं, ऐसा अंतर में जो भगवान जिसके भाग्य में ही हो, भोगना ही लिखा नहीं है, ऐसी सत्ता सत्ता वो ध्यान की गहराई में जाता है, निगोद में अनंत दुख भोगा, मोक्ष में अनंत सुख भोगेगा,
मगर जिसके भाग्य में भोगना नहीं लिखा है, ये भगवान ऐसा है, भगवान उसे कहते हैं जिसके भाग्य में भोगना नहीं लिखा हो। भोगना तक नहीं लिखा हो तो जो भोगने तक नहीं जाता, भोगने तक नहीं जाता है, फिर भागेगा भी क्यों? इसलिए परिणामों से कभी नहीं भागने वाला ये ध्रुव न्यायक मैं हूं, तब अलग न्यारा दिखेगा स्वरूप। ये ध्रुव की ध्रुवता है भगवान। न्यायक सत्ता का ऐसा तत्व विचार, जब भगवान आत्मा का चैतन्य तत्व विचार चलता है, ध्रुव 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 निष्क्रिय सत्ता है, बस निष्क्रिय कहते ही बस। वो मुर्दा है तो मुर्दा कैसा निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं करता, जिसमें क्रिया ही नहीं होती, ऐसा निष्क्रिय मुर्दा जैसे पड़ा है। मगर अंतर इतना है कि मुर्दा निष्क्रिय है और निष्क्रिय के साथ में ज्ञान से रहित, ज्ञान ही नहीं है, जड़ है। मैं निष्क्रिय तत्व हूं, मगर इस निष्क्रियता के साथ साथ में ज्ञान और आनंद की सत्ता तो भरी है। हो आनंद 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 भोगता नहीं हो तो आनंद का लाभ क्या होगा, जब भोगने वाला नहीं हो, जिसके भाग्य में भोगना नहीं लिखा। तो फिर उस आनंद का लाभ क्या, धन पड़ा है और उपयोग में ही नहीं आए तो धन का लाभ क्या, ये लाभ क्या, इसका विचार तो उसको आता है जिसके हाथ में धन है, ये विचार उस धन को नहीं आता है। ओ हो, इस हीरे को कोई न देखे तो लाभ क्या, वो लाभ नुकसान वो लोगों को है, हीरे को क्या है, ये हीरा ये चैतन्य सत्ता का ऐसा ध्रुव का। ओ वाव, न संसार रहा न मोक्ष रहा। ओ हो, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अंतर में ध्रुव का जोर, उससे फिर परिणाम में सहज पिघलना हो जाएगा और परिणाम ढलेंगे। सीधा ऐसा नहीं होगा, तुमके क्या करना है भगवान, सीधा नहीं होगा, जैसे ही तुम अंदर में जाओ तो परिणाम ऐसे 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 ऐसे। ध्रुव ध्रुव तत्व विचार जो है वो ध्रुव 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 इस तत्व विचार का नाम है आपका चलना। तत्व विचार जैसे घी है ना भगवान, खिचड़ी में मिलता है, तो ऐसे ही ठंडा डाल दिया तो घुल मिल नहीं जाता, उसको आग के ऊपर गर्म किया, तो ऐसा हुआ कि अंदर फिर पिघल गया, पिघल करके घी में, फिर घी फिर खिचड़ी में फैल गया, ऐसा है। ऐसे ही जब तेरे अंतर में ये तत्व विचार चलेगा, तो तत्व विचार करते 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 अंदर से ऐसा आत्मा पिघलता जाएगा। आत्मा पिघलेगा मतलब परिणाम आत्मा का पिघलता जाएगा, परिणामों के पिघले बिना उपयोग अंतर में समाता ही नहीं है, ढलता ही नहीं है, कि खिचड़ी में ढलेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर रह जाएगा, वो दाने दाने में फैलेगा नहीं। इसलिए ये ध्रुव चैतन्य तत्व विचार
ये परिणाम 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 तात्कालिक, फिर वहां पर ध्रुव परिणाम, फिर उसका लक्ष्य नहीं लेंगे, परिणाम लक्ष्य नहीं लेंगे, ध्रुव पर ही फिर अंदर में जोर, उसके परिणाम में फिर वो सहज परिवर्तन 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 आता ही जाएगा, और वो विवेक से तुमको पता चलेगा कि ये जो परिणामों में परिवर्तन आया हुआ ये भी तुम जानोगे, मगर उसको जानते समय तुमको खुद को एहसास होगा कि इसमें ध्रुव का जोर आया है, इस वजह से यह परिणाम पलटा है। उस परिणाम के पलटने में ऐसा ये ध्रुव का जोर, और न पलटे परिणाम तो अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ेंगे। तो ध्रुव का अभी जोर आया नहीं है, नियम जानो, ध्रुव का जोर आए तो परिणाम पिघले बिना न रहे। अग्नि के ऊपर घी जाए और पिघले नहीं, और फिर पिघलने के बाद में फिर समाया जाएगा, फिर फल मिल गया, फिर अग्नि की जरूरत नहीं रही। इसलिए तो ध्यानी को तत्व विचार की जरूरत क्या, घी जब मिल गया खिचड़ी में फिर जरूरत क्या, फिर समाधान आएगा। हो अंदर से ही वो परिणाम को नाप पाओगे, दिन प्रतिदिन रोज की ये घटना, और रोज रोज जीवन में घटित होने वाली घटना में तुरंत परिणाम से फिर अपरिणामी पर आओगे। ये विचार आया, ध्रुव का जोर, फिर ध्रुव का जोर। 720 रुपये की पानी की बोतल है, इस बोतल को खरीद करके पानी पीना कितना पैसा लगता है, मगर कृपालु देव ने कहा कि बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मरे। तो यह मनुष्य देह वो 720 रुपये से भी सस्ता है, तो छोड़, 720 रुपया दे दे और पानी पी ले, इस झंझट में मत पड़। ये विचार मुझे आया, नगर वो 720 रुपये छोड़ देने का भाव इस देह को बचाने के लिए भी नहीं, वह जो ध्रुव के जोर से, कि ऐसा जहां ध्रुव का जोर हो तो 720 का भी रस नहीं और देह का भी रस नहीं, तब दोनों क्रिया कि धन खर्च भी होता है और देह को पुष्टि भी मिलती है, मगर फिर ध्रुव पर आओ, यदि ध्रुव का जोर रहा तो वो 720 का लोभी होकर के नहीं बैठेगा। सत्य कहता हूं, तुम्हारे परिणाम पिघलते जाएंगे, फिर परिवार में, फिर मित्रों में छोटी छोटी बातों के लिए फिर वह कलह, फिर वह आकुलता, वह छूटती जाएगी। ध्रुव वो जो कहते क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा, फिर छोड़ने इस झंझट को, ये प्रैक्टिकल बात तुमसे कहता हूं, क्योंकि जहां परिणाम को जब तुम दूर देखो फिर वो हिसाब फिर वहां नहीं होगा। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तो ध्रुव यदि बोलते हो और परिणाम पलटे नहीं तो समझना कि कहीं ना कहीं बहुत 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 बड़ा खतरनाक हालत है, बहुत बड़ी माया हो रही है, अपने साथ में ही खेल खेल रहा हूं। और सारी दुनिया में ये होता है, बड़े बड़े करोड़पति भी मरेंगे तो करोड़ों छोड़ के जाएंगे, वो 720 छोड़ने में वहां पर तकलीफ होगी, करोड़पतियों को कोर्ट के चक्कर काटते हुए जितना देखा है, डिवोर्स जब लेना हो तो
उतना हजारों पतियों को नहीं देखा। गरीबों की भीड़ कोर्ट में नहीं होती कि इतना क्लेम किया है, इतना पैसा मांगती है बहू, इतना देना है। पैसे वालों के वहां पर तो मोह छूटता नहीं है। एक ध्रुव का ही जोर है उस झंझट में से बाहर निकल सके, ध्रुव का ही जोर है, ध्रुव का ही जोर। कितने गरीब लोग, कितने आदिवासी लोग भाई भाई झगड़ करके कोर्ट में जाते हैं। ये सम्राटों की ही लड़ाई है, ये भरत बाहुबली ही लड़ते हैं। इसलिए वो इतना मिलने के बावजूद भी, क्योंकि माना है, क्या माना है कि करोड़ रुपए मेरे पास में है और मैं भरा हूं, और 720 दे दिया तो थोड़ा खाली हो गया, कुछ तो खाली हुआ। और गरीब है वो मानता है कि कुछ है ही नहीं और कुछ रहेगा नहीं, खाली था और खाली रहूंगा, ले जा भाई, खाली था खाली रहूंगा। उसने तो अपने को भरा माना है, पैसे से भरा माना है, तो पैसा हाथ में से जाता है तो खाली होता दिखाई देता है। कंगाल पहले भी कंगाल था और बाद में भी कंगाल है। इसलिए गरीब व्यक्ति के पास में जेब में 100 रुपये होंगे और किसी को जरूरत होगी तो 100 दे देगा, मगर करोड़पति को 10 रुपये भी निकलने में तकलीफ होगी। लेकिन माना है इससे तो मैं भरा हूं, बूंद बूंद से सागर भरा है। परिणाम जब तक न पलटे तो समझना कि मैं उस समय जो सत्संग में बैठा था और सोच रहा था, बहुत बड़ी माया कहीं कर रहा था, नहीं तो ये घी पिघला क्यों नहीं अग्नि के ऊपर था तो। और सभी में फिर, सिर्फ धन में नहीं, फिर सास बहू के साथ में विवाद में भी, फिर जल्दी से जल्दी फिर वो समाधान करके झुक जाते हैं, फिर लंबा खींचते नहीं है, महीने महीने बरसों बरसों वहीं पर ही, वरना कृपालु देव मिले ही नहीं। बस हे ज्ञान दीपक, ये तो मैंने आप परमात्माओं को ध्रुव की बात कही कि परिणाम से पार है, ऐसा ये धागा जो मोती से पार है, और फिर ऐसे ही, बस ऐसे ही, न्याय न्याय न्याय, वहां परिणाम भी, परिणाम पलटे बिना न रहे तो ही ध्रुव का जोर समझना, सिमट जाता है, सिमटता जाता है ऐसे ध्रुव के जोर से, तुरंत ध्रुव पर घटित करता है। करोड़पति कांच का गिलास फूट गया भगवान, तो वह ऐसे ही फूटता हुआ देखता है तो स्वीकार कर लेता है, नया खरीद लेंगे कोई बात नहीं, लगी तो नहीं है ऐसा पूछ लेता है, नौकर को पूछ लेता है, लगी तो नहीं, और सच्चे भाव से पूछता है, तो भी वो बेईमान है क्योंकि करोड़ रुपए पड़े हैं, कोई बात नहीं गिलास फूट गया नहीं। वो ध्रुव ऐसा अखंड है जिसमें से कुछ नहीं टूटा, जोर ध्रुव का नहीं। तो जगत का स्वीकार उसने जगत के आधार पर किया, करोड़ रुपए भी जगत का ही है ना, जगत की अवस्था को जगत के आधार से स्वीकार करता है, वो धोखा खाएगा। जब वो करोड़ जल जाएंगे, आग लगी तब फिर और तड़पेगा, करोड़ के जलने से तो तड़पेगा, मगर अब गिलास भी कहां से खरीदूंगा, जिसके आधार से ये गिलास खरीदने वाला था वही चला गया। और ध्रुव जो है वो जो जाता ही नहीं, मिटता ही नहीं, इसलिए अनंत काल तक दुख नहीं, उसने आधार ऐसा बना लिया। हो, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा कृपालु देव को माना तो परिणाम पलटे बिना न रहे, फिर वो बनिया वृत्ति छूट जाएगी, फिर वो लोभी छूट जाएगा। यदि न्यायक का रस जगा है तो ऐसा होगा। इसलिए मैं कृपालु देव को याद करता हूं,
आपको बार बार ये याद दिलाता हूं, स्वच्छंदी न हो, परिणाम अंदर से परिणाम पलटे बिना न रहे, ऐसा है। और आप ज्ञान दीपकों को यही बात समझने जैसी है, ध्रुव का जोर और उसको फिर परिणाम से नापना, ध्रुव के जोर को परिणाम से नापे बिना समझ में ही नहीं आएगा। एक ओर से इसलिए पुरुषार्थ और निरीक्षण ये दोनों बात एक साथ में, हाथ से जैसे कपड़े के ऊपर कैसे ब्रश घुमाया और आंख से देखते भी है, खाली ब्रश मारते जाओ सुबह से शाम तक, ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करते भगवान, ब्रश घुमाया फिर उसको फिर पानी में डाला, फिर और घुमाया, फिर पानी में देखा, मैं उसको निरीक्षण कहते हैं। तो पता तो चले कि ब्रश ठीक तरह से घूम रहा है कि नहीं। अब तुमने 4 घंटे तक ब्रश घुमाया, पानी में डाला, दाग ऐसा ही रहा, इसका मतलब ये ब्रश ठीक घुमा नहीं है। क्योंकि घुमा होता माने राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ होता तो ये दाग कम क्यों नहीं हुआ। तो वो देखना है कि जब मैंने ये साधना प्रारंभ की और आज वही हाल है, परिणाम ऐसे ही है, परिणाम से मेरी पहचान नहीं है, परिणाम से साधना की पहचान है। मैं तो अपरिणामी हूं, मगर परिणाम के आधार से वह साधना पहचानी जाती है। मैं कहां पर हूं, परिणाम उस प्रकार के आते हैं और उस प्रकार के परिणाम में कहीं पर भी ओहो ऐसा ही बिल्कुल ऐसा। मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि भाई आप लोग सुनकर के तात्कालिक कोई नग्न दिगंबर मुनि हो जाओ या आरजी का हो जाओ, मगर आपको सिर्फ आपके लिए इतना ही कहता हूं कि परिणामों से तुम्हारी दशा का पता चलेगा, परिणाम से ही नापा जाएगा। साधना ऐसे परिणाम से नापी जाएगी, फिर वो परिणाम कोई भी हो, विकल्प रूप परिणाम हो, परिणति रूप परिणाम हो, श्रद्धा रूप परिणाम हो, वह कोई भी हो, उसमें भी परिणाम से। अब मानो कि तुम्हें कहो कि तुम्हारा ध्रुव का लक्ष्य हुआ है तो लोभ थोड़ा छोड़ो और तुम्हें 1 लाख रुपये दान में देने चाहिए, अब तुम्हारे पास में है ही नहीं। अब तुम्हारे अंदर में ये भाव आया, यदि होता तो सचमुच मैं करोड़ भी देता, दिया कुछ भी नहीं, मगर तू प्रामाणिक होकर के तूने ये पहचान लिया कि परिणाम थोड़े कोमल हुए, देना कुछ भी नहीं, वो परिणाम से ही नापा जाता है कि तेरे परिणाम कैसे हुए। मेरे में पैर में शक्ति नहीं है, मगर परिणाम, मैं गजपंथा का पहाड़ चढ़ता यदि पैर में ताकत होती तो, और प्रामाणिक होकर के, प्रामाणिक होकर के, और दोनों में तुम देखो ऐसे। इस बार जो ज्ञान दीपक आए थे उनको मैंने कहा था कि जो बेईमान है
तुम्हारी बेईमानी की वजह से तुम भटकोगे, अब हम अलग हो जाएंगे, अब ये नाता नहीं रहेगा, तुम जाओगे निगोद में। उसका कारण ये है कि तुम पहाड़ नहीं चढ़ते, यहां तक आए हो, ये नहीं है कि शक्ति नहीं है, पहाड़ चढ़ने की शक्ति नहीं है, और तुझे पत्नी को भोगने की शक्ति कहां से आ जाती है? तो ये बेईमान लोगों के लिए धर्म नहीं, तो उससे ही पता चलेगा, और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, इससे पता चलता है स्वच्छंदता का। यदि शक्ति नहीं है तो वो शक्ति कहां से आई, और यदि वहां है तो 10 कदम भी चढ़ लेता, 442 नहीं चढ़ पाया, 4 कदम चढ़ लेता, परिणामों से ही नापना तो असली, और वो कोई दूसरा नहीं पहचानेगा, तुम ही पहचानोगे, और फूल खिला है तो सुवास आएगी, यदि परिणाम पलटे हैं तो बाहर, वो फिक्स डिपॉजिट में नहीं रहेंगे कि मेरे भाव तो बहुत है। मैं कुछ ज्ञान दीपकों को कहता हूं कि बहुत भाव है, बहुत भाव है, मगर भाव को बाहर कब निकालेगा? वो नहीं निकलेता, निकलता क्योंकि अंदर ही नहीं है, अंदर नहीं है वो परिणाम। व्यक्त कोई कहे कि फूल तू तेरी खुशबू को बाहर मत निकाल, वो हो ही नहीं सकता, वो खिला है ना। ऐसे ही परिणाम अंदर से खिले हैं तो वो मुनि होगा। कोई कहे कि मुनि होने का भाव बहुत है, नहीं अभी इतना नहीं है। कृपालु देव को भी नहीं था, अंदर से आत्मा दशा ऐसी नहीं थी, होती तो मुनि हो जाते, शरीर की स्थिति ही ऐसी नहीं थी, मगर शरीर की स्थिति तो निमित्त है, परिणति भी ऐसी निर्मल नहीं थी। और वो स्वीकार करते हैं, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंचो, ऐसा नहीं है कि अंदर से तो हो गया हूं और बाहर से होना बाकी है, बाहर और अंदर ये दोनों लिखाने, क्योंकि अभी मैं ऐसा नहीं हूं, क्यारे थईशु फ्यूचर में कब होंगे। तो कृपालु देव की यह प्रामाणिकता है, एक एक वचन को देखे ना भगवान, ऐसा ही है। स्वच्छंदता के पोषण से बचने के लिए बहुत बहुत साधना की कसौटी को परिणामों से नापना, और तुमसे बड़ा और कोई प्रमाण न होगा उस प्रामाणिकता का, कि परिणाम कैसे 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 आते हैं। किसी को कुछ शंका हो तो प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य 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 गुरुदेव, चैतन्य चैतन्य प्रणाम की परिणाम की जो बात कह रहे हैं, बदलते परिणामों को देखना, क्या वो भाव है मेरे? भाव को परिणाम समझो, सही बात है। भाव जैसे उसमें आज आप जिस समय बोल रहे थे आंख बंद करके, क्या एकदम से, कहां एकदम से अटका कि ध्रुव का व्यक्त रूप एक समय की पर्याय, एक समय में वो ध्रुव का व्यक्त रूप कैसे पकड़ूं, ध्रुव को व्यक्त रूप, और उसके बाद अपने आप को जब ऑब्जर्व किया, मतलब फिर दूसरा भाव क्या चला, आंखों में आज सजलता आ गई, हृदय थोड़ा ज्यादा धड़का,
क्या ये साधना का राइट डायरेक्शन है प्रभु? सही है। परिणामों के आधार से ही साधना की कसौटी है। इस भूमिका में ये भाव आता है, जितना जल्दी से जल्दी, जैसे कहा ने, पहले तो पिघलना। तुम्हारी आंख में से यदि आंसू निकलते हैं, तो फिर से कहता हूं कि उस आंसू के निकलने में तुम्हारा अहंकार पिघला। और जिनके आंखों से आंसू नहीं बहे हैं आज तक, वो वितरागी नहीं है, वह पत्थर दिल है। इसलिए क्योंकि अभी अधूरी दशा है, और अधूरी दशा में ये नियम जानो कि हृदय जब पिघलता है, कोमल होता है, तो उस प्रकार की स्थिति आती है। ये सब बातें इसलिए बताता हूं क्योंकि ध्रुव के जोर से साधना की हम कसौटी करते हैं, मगर परिणाम का विचार ही नहीं करते। इसलिए क्योंकि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। अब तुम दवाई ही लेते रहते हो, बुखार आया है तो दवाई लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, दवाई ही लेते रहते हो, मगर थर्मोमीटर से एक बार नापो तो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 98.5 डिग्री से भी और कम होता जाए और साइड इफेक्ट फिर और कुछ हो जाए। तो दवाई लेना और थर्मोमीटर से नापना, ये दोनों काम करना। तो ऐसे ही ये तत्व विचार करना है और परिणामों को फिर देखना है, नापना है, प्रामाणिक होकर के। मैं इसके ऊपर अभी थोड़े दिन में, जब तक अभी यहां भारत में हूं, मैं आपको कुछ सेशन इसके ऊपर रखने वाला हूं। जहां परिणामों से तुम साधना को चेक कर सको, कसौटी पर कस सको, वह आगे। चरण वंदन गुरु जी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी आपने जो ये प्रमाणिक वाली बात, प्रमाणिकता वाली बात बताई है, ये मुझे भी लगता था कि मेरा ज्ञान ही सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। मेरे अंदर में क्या चल रहा है ये मैं ही जान सकती हूँ। आपको जब तभी आप समझ पाए। गुरु जी, मेरी दूसरी गलती यहाँ पर कचरा नहीं है, पर जब असल निमित्तों में जाना हुआ, वहां प्रसंग बने, तो मेरे अंदर से जो परिणामों को उछाला आया, उसमें मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत बड़ी, मैं भ्रम में हूँ, मेरे अंदर से अभी कचरा निकला नहीं है। मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा कि मैं उन निमित्तों से बचूं या अपनी साधना को बढ़ाऊं। चरण वंदन गुरु जी। सही बात है, दोनों काम करना है। उन निमित्तों से बचना भी है और साधना भी करना है, दोनों काम करना है। जब जुखाम हो गया तो डॉक्टर को आपने पूछा कि डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि मैं ठंडा खाना पीना बंद करूं या दवाई लूं, दो में से क्या करूं? तो डॉक्टर कहेंगे दोनों करो, कुछ दिनों तक ना आपको ठंडा खाना पीना है और ये 3-4 दिन जो भी आपको ये दवाई लेनी है। उसका कारण कि ठंडा खाना पीना नहीं है जिससे नया जुकाम अंदर ना आए, और ये दवाई लेना है जिससे आया हुआ जुकाम भी चला जाए। तो नया न आने का नाम संवर है, पुराना चला जाए उसका नाम निर्जरा है।
तो ये दोनों औषधि है, मोक्ष के लिए संवर और निर्जरा, ये तत्व का है। तो ऐसे ही जब तक अधूरी दशा है, तब तक असद निमित्तों से बचना और सद निमित्तों में रहना, ये दोनों की उतनी ही जरूरत है। एकांत का पोषण न हो, एकांत वाली मिथ्या मान्यता से बहुत खतरनाक हालत हो जाती है। इसलिए कि भाई मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो पर में जाता ही नहीं हूं, पर में मिलता ही नहीं हूं, इस तरह से करके जो अपना बचाव करते हैं, वो फिर भटकते हैं। दोनों का स्वीकार करना है। हाँ जी, गुरु प्रसाद। प्रणाम गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आज ही आ रही है आवाज। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य चैतन्य तो तत्व दृष्टि से तो आप और मैं एक ही सत्ता ध्रुव मात्र हूं, फिर भी आनंद की कमी आपसे और हमारे से क्यों अलग है? दूसरा प्रश्न, क्या हमारा आनंद क्या पुरुषार्थ और श्रद्धा से कमी से नहीं आ रहा है? कृपया ठीक समझाइए। है। आज बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद का जो आधार है, वह विकल्प ही रहा तो फिर आनंद में फर्क नहीं होगा। हमें जो आनंद आता है, वह आनंद विकल्पों का आनंद है, और होना चाहिए था परिणति की निर्मलता का आनंद। विकल्पों का जो आनंद है, वह विकल्प तक ही रह जाता है। विकल्प खत्म हो गए कि आनंद खत्म हो गया। जैसे हम अभी बैठे हैं, अभी बहुत खुश है, मगर जैसे ही फिर ये सत्संग पूरा होगा तो फिर वह आनंद नहीं रहता, फिर वही कलह। तो आनंद का कारण वो अंदर का आत्मा जो है, वह इतना शुद्ध हुआ है। अंदर से ही आप ऐसे हो गए, तो वह जो वो आपके जीवन, वो आपका जीवन बन गया। वो कभी भी, जैसे अभी आपको आज शनिवार का दिन, आज कोई आपको कहे कि मांस खाओ, बोले नहीं, हम शनिवार को मांस नहीं खाते, आज शनिवार का दिन है, ये जवाब आपके अंदर से नहीं निकलता ना। जवाब तो ये, अरे हम कभी नहीं खाते, ये अभक्ष है। तो वो समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। मैं तो, मेरा जीवन ऐसा है कि मैं मांस नहीं खाता। तो ऐसा ही है कि साधना पूरा जीवन बन जाए, चैतन्य ये जीवन बन जाए। ये 1 घंटे के लिए मैं चैतन्य के अलावा कुछ नहीं सोचता, ऐसा नहीं। मेरा जीवन चैतन्यमय है। मैं सोचता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, मैं चलता हूं, बोलता हूं, ये पूरा मेरा जीवन चैतन्यमय। जब मैं सोता हूं तब खून दौड़ता हुआ रुकता नहीं, सांसें रुकती नहीं है, धड़कन चलती रहती है हृदय में। और ये अनंत परमाणु बैर बिखेर नहीं हो जाते, जागो या सो ये रहते हैं। तो ऐसा ही अपने को उस प्रकार के परिणामों से विचार करते हुए
नापना है कि ये जो आनंद मुझे आ रहा है, ये आनंद जैसा गुरु को आ रहा है ऐसा मुझे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं विकल्पों की सीमा में बंधा हुआ हूं, और वो विकल्प को लांघ करके उस प्रतीति की उस स्थिति तक पहुंचे हैं। मैं विकल्प 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 मैं सोचता हूं कि मैं आत्मा हूं और आनंद लेता हूं, और वो अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूं और आनंद भोगते हैं, तो सोचने का आनंद सोच में ही रहेगा और अनुभव का आनंद अनुभव में आएगा। तो गुड़ मीठा है, मैं सोचता हूं और आनंद में रहता हूं। कोई कहे कि मैं सोचता तो हूं कि गुड़ मीठा है, मगर आप जैसे चखते हैं ऐसा आनंद मुझे क्यों नहीं आता? नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम सोचते हो, खाते नहीं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि पुरुषार्थ की कमी है, इस वजह से ये हो रहा है। तो पुरुषार्थ की कमी मूल क्या कारण है? जो मैंने आपसे कहा कि निरंतर नित्य इस प्रकार की जो चिंतन की धारा, उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी ये है, असद निमित्तों से पहले बचते नहीं, जो बचना बहुत जरूरी है। निमित्त अकर्ता है, निमित्त कुछ करता नहीं है, मगर अकर्ता ऐसा जो निमित्त है, उस निमित्त में हमारा जीवन असद निमित्त बिल्कुल निमित्त से प्रभावित हुए, अभी अधूरी दशा है, और जब तक वह केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बहुत जरूरी है। ऐसे निमित्तों से सदाकाल बचो। जो मैं आपको कहता हूं, अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे नंबर हो उनको निकालो। मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर जितने हैं उससे ज्यादा ब्लॉक वाले नंबर ज्यादा है, ब्लॉक किए गए नंबर ज्यादा है। ऐसे झंझटों से ही बचो। अभी कच्चे हो, अभी आपकी दीवार कच्ची है, आपकी छत कच्ची है, नीचे लकड़ी के सहारे की जरूरत है। अभी पानी पिलाओ, अभी उसका ध्यान रखो, फिर उस खंभे को हटा देना, फिर तकलीफ नहीं होगी। फिर हटाना ही होगा, क्योंकि उसके लिए तो छत बनाई थी कि वहां रह सके, नहीं तो फिर खंभे ही खंभे रहेंगे, आप कब रहेंगे? इसलिए भावना तो यही है कि आप अपने में ही वास करें, निमित्त में न करें, मगर तब तक ऐसे निमित्तों के खंभे की जरूरत है। उसके लिए ये आज से अपना फिर से ये दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग प्रारंभ हुआ है, और हुआ है क्या, किया है। अब भाषा भी मैं ऐसी ही बोलूंगा, किया है। ये सब पूरा का पूरा व्यवहार के ऊपर, सदनिमित्तों में रहना और असद निमित्तों से बचना, उसके ऊपर एक विशेष रूप से थोड़े सेशंस रखना है, दीपक ध्यान दीपक कनेक्शंस के ध्यान के प्रयोग में लेंगे, या फिर कभी मौका मिला तो अलग से ले लेंगे। आज दोपहर में तो 3 बजे मीटिंग है सिंगापुर सेंचुरी की, और
मैं कल मैंने डेट बोलने में भूल हो गई हो, तो सोमवार को 14 तारीख 15 तारीख है ना, 15 तारीख को अपनी ज्ञान दीपकों की मीटिंग है, 15 जुलाई को परसों 7:42 पर। तो और फिर हम एक जो समेत शिखर के लिए और उमराला में पर्युषण, 42 दिन के पर्युषण है और समेत शिखर की यात्रा के लिए भी है, तो उसका व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना रहे हैं। और जो भी ज्ञान दीपक उसमें समेत शिखर जी की यात्रा में आ रहे हैं उनको ही वह ग्रुप ज्वाइन करना है, और उमराला के पर्युषण में आ रहे हैं उनको वह ग्रुप, जब तक पर्युषण रहेंगे तब तक वो ग्रुप रहेगा, उसके बाद में ग्रुप डिलीट कर देंगे। इसलिए आपको ज्यादा ग्रुप में नहीं रहना पड़ेगा कि कितना मैसेज आएगा, मगर उस ट्रिप संबंधी, धर्म पर्यटन संबंधी या प्रयोग संबंधी ये सब मैसेज आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे उस संबंधी, इसके लिए ये अपन ने रखा है। ठीक है, आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, आज जो आपने सुना, कभी की बाकी की शंका आज नहीं ले रहा हूं, मगर कल फिर से अपन मिलेंगे सुबह, और सभी लोग सुबह आ जाए। ये जिन जिन के आज पहला दिन था इसलिए कैमरा बंद था, फिर भी मैंने आज रिमूव नहीं किया है, पहला दिन था इसलिए। कल से आपको यहाँ को होस्ट जिनको मैं बनाऊंगा वही आपको रिमूव कर देंगे, तो आपको फिर सही तरह से बैठेंगे तो लाभ ले पाएंगे। प्रणाम, चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहातीत उन ज्ञानी के चरण